क्या तुम कभी किसी के लिए रोए हो? आज तक मौका ही नहीं मिला। डोंट वरी, बहुत जल्दी मौका मिलेगा। रोमांटिक मूवी थी एक ऐसी जोनरा है जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं इसे अपने लाइफ के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। और 2019 में तो साउथ की इतनी ज्यादा रोमांटिक और रोमांटिक कॉमेडी मूवीज हिंदी में रिलीज हुई है कि ये तय करना काफी मुश्किल हो गया है कि कौन सी मूवी बेस्ट है। इस साल थोड़ी प्रेमा और RX 100 जैसी कुछ ऐसी भी रोमांटिक मूवीज रही जिसने लोगों के आंखों में आंसू ला दिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और आज मैं आपको 2019 की टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक मूवीज के बारे में बताने वाला हूं, जो सच में एक अलग लेवल की मूवीज थी और जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। मैंने इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं मूवीज को रखा और रैंक किया है जिनकी स्टोरी अच्छी है और जिसमें एक्टर्स के द्वारा काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी गई है और कहीं ना कहीं ये मूवीज हम ऑडियंस के दिल को छू जाती है। तो आइए जानते हैं इन सभी मूवीज के बारे में और आपकी कौन सी रोमांटिक मूवी फेवरेट है और आप उसे किस रैंक पे देखना चाहते थे ये कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर टेन पे है साउथ की दो फिल्में कोलंबस और ईगो। इन दोनों ही फिल्मों का प्लॉट काफी डिफरेंट था और दोनों ही फिल्मों में लीड एक्ट्रेस ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। हाँ, ईगो मूवी में जो एक्ट्रेस थी उनकी एक्टिंग थोड़ी वीक थी, पर दोनों ही मूवीज सच में कमाई की थी और दोनों ही मूवीज में आपको अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। नंबर 9 तराखा 2। नंबर 9 पे है नागा चैतन्य और अन्नू इमैनुअल की तेलुगु रोमांटिक मूवी सैलजा रेड्डी अल्लूडू, जिसे हिंदी में तराखा 2 के नाम से डब किया गया है। फिल्म की स्टोरी तो उतनी ज्यादा खास नहीं है, लेकिन नागा चैतन्य और अन्नू इमैनुअल की एक्टिंग की वजह से यह मूवी काफी अच्छी रोमांटिक मूवी बन पाई। साथ में वेनुला किशोर की कॉमेडी ने इस मूवी में मसाला डालने का काम अच्छे से किया है और मूवी में आने वाली कॉमेडी सीन्स और एक्शन सीक्वेंस हम ऑडियंस को और भी ज्यादा एंटरटेन करती है। नंबर 8 रोमियो जूलियट। नंबर 8 पे है 2015 की जयम रवि और हंसिका मोटवानी की तमिल रोमांटिक कॉमेडी मूवी रोमियो जूलियट, जिसके हिंदी वर्जन को 2019 में रिलीज किया गया है। फिल्म में एक बहुत ही जरूरी मैसेज को दिया गया है और वो ये है कि प्यार में पैसा कोई मायने नहीं रखता है, बस दो लोगों के बीच प्यार होना चाहिए, पर आज के जेनरेशन के लवर्स को पता नहीं क्या हो गया है, बस पैसे के पीछे भागते हैं। ये सब भी चाहिए? नहीं खरीद सकते? खरीद सकते। You want me or not? Of course. इस फिल्म में अच्छी खासी कॉमेडी भी है और फिल्म का सेकंड हाफ और भी ज्यादा बेहतरीन है। नंबर 7 R2। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। पहले खुद हाथ पकड़ती हूँ, फिर जाने को। नंबर 7 पे है 2018 की तेलुगु रोमांटिक मूवी चल मोहन रंगा, जिसे हिंदी में R2 के नाम से डब किया गया है और ये मूवी 2019 में रिलीज हुई है। ये मूवी दोस्तों अच्छी तो है, पर अगर हम इस मूवी को आ मूवी से कंपेयर करें जिसमें नितिन और समंथा अकिने ने लीड रोल में थी, तो उससे ये मूवी काफी पीछे है। लेकिन हाँ, ये भी एक अच्छी रोमांटिक मूवी है जिसमें नितिन और मेघा आकाश ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और आ की तरह ही इस मूवी में भी हमें काफी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलती है। वैसे आ और आ 2 में से कौन सी मूवी आप ज्यादा पसंद करते हैं नीचे कमेंट कीजिए। नंबर 6 नंबर 1 दिलवाला। फ्रेंड वो होता है जो हमारी बीती कहानियां सुनता है, बेस्ट फ्रेंड उन कहानियों का हिस्सा होता है। नंबर 6 पे है राम पुथिनी की पहली हिंदी डब मूवी, जिसने यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज को क्रॉस किया था। ये मूवी है उन्ना दी ओकाटे जिंदगी, जो कि 2016 में तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसके हिंदी डब वर्जन नंबर 1 दिलवागा को 2019 में रिलीज किया गया था और लोगों को यह मूवी खूब पसंद आई है। फिल्म में दो दोस्तों की अच्छी दोस्ती और दिल को छू जाने वाली प्यार को दिखाया गया है। इस मूवी में राम पुथिनी के साथ अनुपमा परमेश्वरन और यवन्या त्रिपाठी भी लीड रोल में है और दोनों ने ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। देख राजा, जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आती जाती हैं, पर हमारा पहला प्यार हम कभी नहीं भूल सकते। नंबर 5 थोगी प्रेमा। थोगी प्रेमा 2018 की तेलुगु रोमांटिक मूवी है, जिसे हिंदी में सेम नाम से ही डब किया गया है। मूवी के लीड रोल में है वरुण तेज और राशि खन्ना। दोस्तों इस मूवी को मैं नंबर 3 या फिर नंबर 2 पे रैंक करना चाहता था, पर इस साल कुछ ऐसी भी रोमांटिक मूवी रही हैं जो कम रैंक को डिजर्व करती हैं। वैसे आप इस मूवी को किस रैंक पे देखना चाहते थे नीचे कमेंट जरूर कीजिए। थोगी प्रेमा कहानी है आदित्य और वर्षा की, जो मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है और आदित्य के इंड्यूरेंस की वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। तो अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई है और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। नंबर 4 96। नंबर 4 पे है एक ऐसी फिल्म जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, जो सीधा हमें हमारे स्कूल लाइफ में ले जाती है और हम सभी के पुराने यादों को ताजा करती है। इस फिल्म को दोस्तों मैं तमिल में ही देखना चाहता था, लेकिन इस फिल्म को मैं अच्छे से महसूस करना चाहता था, इसलिए मैंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन का इंतजार किया। फिल्म में विजय सेतुपति की एक्टिंग की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जिस तरह से फिल्म में वो अपने प्यार को अपने आंखों में समुद्र की लहरें की तरह रोक लेते हैं, वो कमाल का है। इस फिल्म में वो हर चीज है जो इस फिल्म को एक कल्ट मूवी बनाती है।
वैसे आपको ये फिल्म देखनी चाहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करनी चाहिए। और इस फिल्म ने आपकी कौन सी याद को ताजा किया है कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें। नंबर 3 RX 100। इस फिल्म में दोस्तों इतना ज्यादा दम और दर्द है कि न जाने कितने ही फेक यवर्स के इस फिल्म ने आंखें खोल दी। फिल्म का प्लॉट बहुत बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और यूनिक है और कार्तिकेय और पायल राजपूत की एक्टिंग ने इस फिल्म को और भी ज्यादा बेहतरीन बना दिया है। फिल्म की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक लड़की से दिलो जान से प्यार करता है, लेकिन किस तरह से वो लड़की उसका इस्तेमाल करती है और धोखा देती है, और धोखा देने वाली बात पता चलने के बाद उस लड़के का क्या रिस्पॉन्स रहता है, ये इस फिल्म में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। नंबर 2। अच्छा, तुम बदलोगे नहीं? नहीं मैडम, मैं तो बदल गया हूँ। आई एम कम्प्लीटली डिसेंट नाउ। नंबर 2 पे है साउथ की वो रोमांटिक फिल्म जिसका आप लोगों ने सबसे ज्यादा डिमांड और इंतजार किया है। यह फिल्म है 2018 की तेलुगु रोमांटिक मूवी गीता गोविंदम, जिसके लीड रोल में है विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदना। फिल्म को हिंदी में गीता गोविंदा के नाम से डब किया गया है और योगन ने इस मूवी को बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। और इस फिल्म के हिंदी डबिंग से जुड़ी अच्छी बात यह है कि इस फिल्म के सभी गानों को हिंदी में अच्छे तरीके से डब किया गया है। फिल्म में विजय और रश्मिका मंदना के बीच ढेर सारे खूबसूरत सीन्स हैं जिसे लोगों ने खूब इंजॉय किया है। वैसे आप इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपको ये मूवी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आप जानते हैं दोस्तों उस मूवी के बारे में जो नंबर 1 पे है। जिसका लव फेल होता है वो प्यार करना बंद नहीं करता, सिर्फ दिखाना बंद करता है। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे है राम पोथिनेनी और अनुपमा परमेश्वरन की मूवी दमदार खिलाड़ी, जो की हिंदी डब वर्जन है 2018 की तेलुगु रोमांटिक मूवी हेलो गुरु प्रेमा कोसमे का। ये मूवी नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि मूवी में स्टोरी एक्टर्स की परफॉर्मेंस तो ठीक है ही, लेकिन ये साउथ की फास्टेस्ट मोस्ट व्यूड एंड फर्स्ट मोस्ट लाइक्ड हिंदी डब मूवी है, जो रिकॉर्ड आज तक किसी भी साउथ की मूवी ने नहीं बनाया। मूवी को यूट्यूब पे 1 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं, जो लोगों को इस मूवी के प्रति प्यार को दिखाती है। फिल्म का क्लाइमेक्स ऐसा है कि आंखों में आंसू आ देता है। वैसे इस मूवी में रोमांस के साथ साथ कॉमेडी और एक्शन सीक्वेंस भी है जो इस मूवी को एक परफेक्ट मूवी बनाती है। तो दोस्तों ये थी 2019 के टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक मूवी की लिस्ट। इस लिस्ट की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है हमें नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। आगे और भी ऐसी वीडियोज आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।